फिर आ गया हूँ फिर एक नया रेसिपी के साथ। आज जो मैं जो बनाने वाला हूँ वो है ब्रेड बटर प्रॉन्स। बहुत सिंपल रेसिपी है, कोई भी बना सकता है, आराम से बना सकता है, कोई भी घर पे आराम से बना सकता है। ज़्यादा सामान का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसमें कम सामान में हो जाता है। फिर चलिए बनाते हैं। ब्रेड बटर प्रॉन्स के लिए मैं ये 7 पीस प्रॉन्स लिया हूँ। ये 7 पीस प्रॉन्स को मैं एक बाउल में उठा ले रहा हूँ इसको मैरिनेशन करने के लिए। ये मैरिनेशन के लिए मैं 1/2 टी स्पून सॉल्ट दिया हूँ, 1/3 स्पून एरोमेट पाउडर, 1/3 स्पून वाइट पेपर पाउडर दे रहा हूँ, मैं 1/2 टी स्पून शुगर दे रहा हूँ, मैं ये 1 टी स्पून कुकिंग ऑयल डाल दे रहा हूँ मैं। अब मैं मैगी सीजनिंग सॉस ये 1/2 टी स्पून डाल रहा हूँ मैं। अब मैं लूँगा होइजन सॉस, ये होइजन सॉस भी मैं 1/2 टी स्पून डाल दे रहा हूँ। इसको मैं अच्छे से अब मिक्स कर लूँगा। ये मिक्स करके मैं आधा घंटा फ्रिज में छोड़ दूँगा मैरिनेट करके, तब तक फिर मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। ये मैं ब्रेड ले रहा हूँ 3 पीस, इसको जो हार्ड पोर्शन है उसको मैं छाट लेता हूँ। ये तीनों ब्रेड का मैं हार्ड पोर्शन छाट ले रहा हूँ, क्योंकि ये हार्ड पोर्शन रहेगा तो फिर मैरिनेट में प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉन्स में मैरिनेट करने के लिए फिर दिक्कत हो जाएगा। ये मैं इसको ऐसा करके काट ले रहा हूँ। अब इसको मैं फिर छोटा छोटा क्यूब्स कर लूँगा, ये ऐसे छोटा छोटा कर लूँगा, ये हो गया मेरा छोटा करके। अब इसको मैं एक प्लेट में उठा ले रहा हूँ। ये मेरा कटिंग किया हुआ ब्रेड, अब मैं वो मैरिनेट किया हुआ प्रॉन्स को ले रहा हूँ। मैं प्रॉन्स को पहले कॉर्नफ्लोर में कोटिंग कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको ये जो अंडा फोड़ के रखा हूँ मैं ये अंडे में डाल रहा हूँ, अंडे लगा ले रहा हूँ, जैसे ब्रेड मेरा जो कटा हुआ है वो अच्छे से इसमें लग जाए, प्रॉन्स में अच्छे से चिपक जाए। इसके लिए ये थोड़ा ऐसा करके दबा देने का, जैसे अच्छे से पूरा प्रॉन्स में ब्रेड चिपक जाए। ये मेरा हो गया एक, अभी ऐसा करके और 6 को मैं कर लेता हूँ। ये मैं दूसरा प्लेट में रख लेता हूँ, ये मैं दूसरा प्लेट में रख लिया हूँ उसको। बाकी मेरा ये फटाफट बना लेता हूँ। ये मेरा लास्ट है, लास्ट वाला प्रॉन्स, इसको भी मैं ये कॉर्नफ्लोर में कोटिंग कर लिया, ये अंडे में कोटिंग कर रहा हूँ, ये अब मैं ब्रेड में डाल दे रहा हूँ। इसको भी अच्छे से कर लेता हूँ मैं कोटिंग, ब्रेड चारों तरफ से, ये देखिए अच्छे से लग गया, मस्त हो गया। ये मेरा सारे कोटिंग हो गया है ब्रेड में। अब मैं एक कढ़ाई पे ऑयल डाल रहा हूँ, रिफाइंड ऑयल डाल रहा हूँ इसको डीप फ्राई करने के लिए। इसको अब मैं
डीप फ्राई कर लूँगा। थोड़ा तेल ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉन्स नहीं तो नीचे बैठ जाएगा, फिर बैठ जाएगा तो अच्छे से फ्राई नहीं होगा, काला पड़ जाएगा नीचे साइड, जिस साइड चिपक जाएगा। ये मैं सब डाल दे रहा हूँ ऑयल में। ये मेरा हल्के सब हो गए, सब ऑयल में छोड़ दिया हूँ। आप धीरे धीरे स्लो फायर में, थोड़ा स्लो फायर रखना पड़ेगा नहीं तो जल्दी से काला पड़ जाएगा, इसलिए मैं फायर को थोड़ा स्लो रखा हूँ। ये देखिए मेरा फ्राई हो गया है प्रॉन्स। अब मैं ये एक प्लेट को थोड़ा गार्निश कर लेता हूँ। ये येलो में कर देता हूँ ये, और एक रेड का बैठा देता हूँ। ये जो रेड और येलो सॉस दिख रहे हैं ये एक बीटरूट का है और एक कैरेट का है, दोनों सॉस मैंने बना के रखा हूँ गार्निश के लिए। अब मैं ये एक बॉल डाल देता हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा टाटार सॉस दे देता हूँ सर्विस के लिए। मैं टाटार सॉस बना के रखा हूँ पहले से। ये बॉल में टाटार सॉस मैं डाल दे रहा हूँ। चाहिए आप लोग दूसरा सॉस भी डाल सकते हो, कॉकटेल सॉस या मेयोनाइज सॉस डाल सकते हो, डाल के सर्विस कर सकते हो आप लोग। यही सॉस देना पड़ेगा, वो कोई बात नहीं है। ये मैं एक बर्तन लिया हूँ, इसमें मैं प्रॉन्स को सेट कर देता हूँ। ये मेरा रेसिपी अभी कॉम्प्लीट। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और ये रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना। एकदम आसान रेसिपी है, सभी लोग बना सकते हैं, और कैसे बना कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे फिर एक नया रेसिपी के साथ।